What's up guys, welcome back to another reaction video. Why is India great? भारत महान क्यों है? तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब. ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत सारे लोगों ने रिएक्ट किया हुआ है और काफी लोगों ने हमें भी सजेस्ट किया बहुत टाइम पहले. तो व्हाई इज इंडिया ग्रेट पर रिएक्ट करो, तो साथ में वीडियो एंजॉय करते, बहुत कुछ पता लगने वाला है इंडिया के बारे में भी. तो चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब और मोटिवेशन मिलते हैं जब आप सब्सक्राइब करते हो. तो रेडी, 1 2 3 गो. Make sure to subscribe and press the bell icon to never miss any update from Adelphi Motion Pictures. भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, आखिर ये देश महान क्यों है? Why? Why is India great? Because India has the world's second largest population, 1.3 billion, but poverty is a significant issue of this country. यह हमारा सिस्टम, पॉलिटिकल इश्यूज, नेपोटिज्म, वुमेन एम्पावरमेंट, लैक ऑफ एजुकेशन, डीमोनेटाइजेशन, राइट? नो, नहीं. यहां टूथपेस्ट में नमक हो ना हो, लेकिन हर एक भारतीय के खून में देश का नमक जरूर होता है. कपड़े और कार तो बात की बातें हैं, यहां सोच ब्रांडेड होती है. नल में पानी भले थोड़ा लेट आए, लेकिन चांद में पानी सबसे पहले हमारे चंद्रयान 1 सैटेलाइट ने ही डिटेक्ट किया था. एंड इसरो सक्सेसफुली लॉन्च्ड 104 सैटेलाइट्स. इट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स लॉन्च्ड ऑन अ सिंगल फ्लाइट बाय एनी स्पेस एजेंसी इन द वर्ल्ड. और इंडिया में खेल सिर्फ खेल नहीं होता, रिलीजन होता है, जुनून होता है, पागलपन होता है. खेलों के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तो यहाँ है ही, और इन खेलों के मेजर और भगवान भी यही है. साथ ही कबड्डी, स्नूकर, शतरंज, लूडो और सांप सीढ़ी जैसे खेलों का जन्म भी भारत में हुआ है. भारत को अगर पर्व और त्योहारों का देश कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जितने फेस्टिवल यहाँ मनाए जाते हैं शायद ही किसी और देश में मनाए जाते हैं. अनेकता में एकता की झलक दिखाते ये त्योहार देश की संस्कृति की महानता को उजागर करते हैं. और इंडिया वालों की बातों में जो बात है उसे आप बातों बातों में समझने की कोशिश करना, और अगर कोई बात समझ में ना आए देन दैट्स योर फॉल्ट. क्योंकि भाषाओं के मामले में भारत विश्व का सबसे समृद्धशाली देश है. यहाँ 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस के साथ 1600 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं. और तो और, इंडिया वर्ल्ड का दूसरा सबसे ज्यादा इंग्लिश बोलने वाला देश है. कुछ भाषाएं बड़ी तीखी हैं तो कुछ बड़ी मीठी. वैसे मीठी से याद आया कि शुगर वॉज फर्स्ट कंज्यूम्ड इन इंडिया, और 2013 के बाद से इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर बन चुका है. ये तो थी शक्कर और दूध की बात. और इन दोनों के बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बी फॉर बर्थ और डी फॉर डेथ के बीच में यहाँ सी फॉर चाय होता है. और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वेजिटेरियंस भी इंडिया में है. इंडियन क्यूजींस और यहाँ के मसालों की वाइड वैरायटी ने दुनिया को चटपटेपन का जायका दिया है. क्योंकि यहाँ पर बर्गर एक डिश है, लेकिन वड़ा पाव एक इमोशन. और भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है. हमारी बातें सुनकर अब आप सबको इंडियन फूड की वैल्यू तो समझ में आ ही गई होगी, लेकिन पाई की वैल्यू 3.14159 होती है. ये पूरी दुनिया में सबसे पहले आचार्य बुद्ध्याना ने कैलकुलेट किया था, वो भी 6th सेंचुरी में. और वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी तक्षशिला 700 BC में इंडिया में थी, जिसमें 10,500 से ज्यादा लोग 60 से भी ज्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ते थे. नंबर सिस्टम, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, डेसिमल सिस्टम और भी बहुत कुछ, ये सब इस दुनिया में सबसे पहले भारत ने इजाद किया. आयुर्वेद वर्ल्ड का ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ मेडिसिन है. भास्कराचार्य ने सबसे पहले ये गणना की थी कि पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगाती है. सुश्रुता को फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है, जिन्होंने आज से 2600 साल पहले अपनी टीम के साथ प्लास्टिक सर्जरी, फ्रैक्चर और इवन ब्रेन सर्जरी तक कर चुके थे. ये तो थी पुरानी बातें. आज की बात करें तो भारत की शकुंतला देवी ने इस फिगर को 28 सेकंड में कैलकुलेट करके वर्ल्ड के ह्यूमन कैलकुलेटर की उपाधि हासिल की है. और ये किस्सा नहीं कहानी है, सारी दुनिया को जो सुनानी है. सोनी की चिड़िया कहा जाने वाला हमारा देश 17th सेंचुरी में वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट कंट्री हुआ करता था. 1896 से पहले इंडिया पूरे वर्ल्ड में डायमंड का इकलौता सोर्स था. दुनिया के कुछ सबसे बड़े उद्योगपति भी भारतीय हैं. एंड इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ.
यहाँ सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, लाइफस्टाइल है। क्योंकि इस प्लेनेट में बॉलीवुड में सबसे ज्यादा फिल्म बनाई जाती है और वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट एक्टर भी इंडियन है। नाम तो सुना ही होगा। इंडिया हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूज चैनल इन दी वर्ल्ड। एक आम भारतीय नेटफ्लिक्स की एक पूरी सीरीज ऑन एन एवरेज 3 दिन में देख लेता है, जो की नेटफ्लिक्स के आंकड़ों के अनुसार सबसे तेज है। एंड इंडिया हैज फास्टेस्ट ग्रोइंग टेलीकॉम मार्केट इन दी वर्ल्ड। इंडिया से सस्ता 4G नेटवर्क दुनिया की किसी और कंट्री के पास है ही नहीं। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सैन्य बल हमारे पास है। 26 मई को स्विट्जरलैंड में साइंस डे मनाया जाता है हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के सम्मान में। इंडियन रेलवे वर्ल्ड का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, जिसने 1.3 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है। भारत आज चांद तक पहुंच गया, लेकिन कुछ भारतीयों को शौचालयों तक पहुंचाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन ये नामुमकिन नहीं है, बिकॉज इंडिया हैज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन। कंस्ट्रक्शन, सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, मार्शल आर्ट, योग, ये सब हमारी सभ्यता की देन है। जीरो से लेकर USB को बनाने वाला भी एक भारतीय ही था। टॉयलेट फ्लश की टेक्निक और शैंपू से लेकर कार्बन पिगमेंट से बनी पेन की इंक, सी शेल से बनी शर्ट की बटन, ये सब कुछ उस देश की देन है जहां आहार में तो कमी हो सकती है, लेकिन संस्कारों में कमी नहीं होती। जहां 3 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं, जो किसी भी दूसरी मुस्लिम कंट्रीज तो क्या पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। जहाँ एक चाय बेचने वाला इंसान अपनी मेहनत, अपनी सोच, अपनी काबिलियत से देश की सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। जहाँ देश को देश नहीं, माँ भारत माता समझा जाता है। ऐसे अखंड भारत का नागरिक होने पर हमें गर्व होना चाहिए, और यही वो चीज है जो भारत को एक महान देश बनाती है। दैट्स व्हाई इंडिया इज ग्रेट नेशन। और अगर आपका दिल भी इन बातों से जोरों से धड़कने लगा है, तो इसे अपने साथियों से जरूर शेयर करें। बिल्कुल, वंदे मातरम। वंदे मातरम। मतलब कि कई बार हम कहते ना क्या है देश इंडिया, क्या, मतलब क्या हो रहा है। एक बार वीडियो देख लेना, एहसास हो जाएगा कि हाँ। इंडिया ने क्या कुछ दुनिया को दिया है, इंडिया में क्या कुछ ऐसी चीजें जो कहीं और पाई नहीं जाने वाली हैं। और ये देश इमोशंस, लाइफस्टाइल, हर चीज से जुड़ा हुआ है। और अगर कभी कोई दूसरा देश का इंसान मिलना है, ए इंडिया से तुम ऐसे बोल, भाई इंडिया इज ग्रेट, और नहीं मानता ये ले। उसको समझना है ना, उसको सबटाइटल के साथ दिखाना है, फिर समझाना है एक चीज कि जो तुम बर्गर वर्गर खाते हो, जिन पे मसाला मुझे लगता है, और जो तुम मजे लेते हो, ये सब इंडिया की देन है। वहां से लेकर योग से लेकर हर एक चीज, आर्किटेक्चर, हर एक फील्ड, योगा हुआ, हर एक चीज, सर्जरी वगैरह सब कुछ। आज जीरो का आविष्कार भारत ने किया था, USB का आविष्कार भारत ने किया था। और एक एक चीज जो दिखाई ना, जिससे इतने होते हैं ना, हर चीज ही बनती है, चीज वगैरह हर चीज उससे बनाते हो, दूध हो गया, सबसे बड़े बड़े चीनी, मीठा, बड़े बड़े उद्योगपति कितने इंडिया से हैं, बिजनेसमैन, सेकंड रिचेस्ट वो एक्टर, सेकंड रिचेस्ट एक्टर हो गए, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हो गई इंडिया। और इंडिया इतनी अमीर थी एक टाइम पर, वर्ल्ड की सबसे अमीर कंट्री थी वो, तो चलो कुछ आए थे परिंदे ले गए कुछ कुछ, लेकिन कहा जाए कि वाई इज इंडिया ग्रेट, तो ये वीडियो किसी के भी सामने रख देना, उसके गूज़बम्स ना दे तो नाम बदल देना। और एज अ इंडियन, एज एन इंडियन, अगर आप इस वीडियो को, तो गलत इंग्लिश होगी, एज एन इंडियन अगर आप इसको फील करो ना, इमोशंस इस वीडियो के, जिस तरीके से, जिस जोश में बताई गई एक एक चीज, बहुत ही माइंड ब्लोइंग यार। और सच में गर्व से कह सकते हैं हम भारतीय देश के नागरिक हैं। और वो बताया था ना, एक चाय वाला बड़ी सोच रख के कैसे अपनी मेहनत करके देश में, ये बोलने वाले थे आज। और लार्जेस्ट इंप्लॉयर इंडियन रेलवे, कितने लोगों को, हर एक चीज, छोटी छोटी बारीकी अगर आप इस वीडियो से नोटिस करोगे ना, आपको प्राउड मूवमेंट फील होगा अपने देश के लिए। एंड गूज़बम्स इंग्लिश देख लेना, सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है ना इंग्लिश बोलने वाली। वो उस मूवी में कहता कि घिसी जाती है सबसे ज्यादा इंडिया में, घिसी, लॉस्ट लेना कहता सबसे ज्यादा इंग्लिश इंडिया में घिसी जाती है। और एक और चीज अगर कही जाए, देर आए दुरुस्त है, इस वीडियो को हम लेट लेके आए, लेकिन भाई साहब दिल छू गए, दिल छू गई। और व्हाई इज इंडिया ग्रेट सेकंड पार्ट पे भी आप रिएक्शन चाहते हैं, जरूर कमेंट करके बता रहे, उस पर भी जरूर लेके आएंगे यार। कुछ वीडियोस आपको इंस्पायर और मोटिवेट कर जाती हैं, कमेंट में जय हिंद जरूर लिख देना यार। एंड इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, और बहुत जल्द सुपर पावर भी बनेगी, लेकिन सबको एक साथ चलना पड़ेगा ना। वही मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय, जय हिंद, टेक केयर।